हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर को स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द नैरेटर प्लान हिज वॉयज टू लास्ट। इस चैप्टर में जो कहानी सुना रहे हैं वह अपनी यात्रा को कहाँ तक ले जाने के लिए सोचते हैं, कितने समय तक ट्रैवल करने की उम्मीद करते हैं। द नैरेटर वॉन्टेड टू अंडरटेक अ वॉयज राउंड द वर्ल्ड। इस कहानी में, इस चैप्टर में ये नैरेटर शब्द बताता है कहानी सुनाने वाले के लिए। नैरेटर मीन्स जो व्यक्ति इस कहानी को सुना रहा है, और जो कहानी सुना रहा है वही व्यक्ति ट्रैवल करता हुआ शिप में मेन पर्सन है, कमांडर है, चीफ है, उसी की फैमिली उस शिप में ट्रैवल कर रही है। तो वे चाहते थे कि वो अपनी यात्रा को पूरे संसार में कवर करते हुए कंप्लीट करें। दे प्लान टू ट्रैवल 1,05,000 किलोमीटर। वे चाहते थे कि वे अपनी 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करें। पूरा संसार का चक्कर काटने में 1,05,000 किलोमीटर तय करने थे। दिस जर्नी विल टेक 3 ईयर्स, और इस यात्रा को पूरा करने में उन्हें 3 साल लगने वाले थे। जिस तरह से बहुत समय पहले, 200 साल पहले थॉमस कुक ने पूरे संसार का चक्कर लगाया था, उसी तरीके से यह भी अपनी यात्रा को पूरे संसार में कवर करते हुए पूरा करना चाहते थे। इसी चीज की प्लानिंग इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडेज। शिप पर ट्रैवल करते हुए ही उन्होंने अपने क्रिसमस हॉलीडेज को किस तरह से सेलिब्रेट किया। ऑन 25th दिसंबर दे वर 3,500 किलोमीटर्स फार अवे फ्रॉम केप टाउन इन द ईस्ट। पूर्व दिशा में केप टाउन, ये जगह अफ्रीका में है, तो अफ्रीका के केप टाउन से वो 3,500 किलोमीटर दूर आ चुके थे। उस दिन 25 दिसंबर था। द वेदर वॉज वेरी बैड, और मौसम बहुत खराब था उस दिन भी। बट दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस हॉलीडे वंडरफुली, लेकिन उन्होंने क्रिसमस हॉलीडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया विद अ क्रिसमस ट्री। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप। आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो पता होगा कि कहानी में आगे चल के उन्हें बहुत बुरे मौसम का सामना करना पड़ा, और यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की, व्हाट सॉर्ट, किस प्रकार की लहर ने, वेव ने उनके जहाज पर हिट किया, अटैक किया। द वेव दैट हिट द शिप, लहर जिसने उनके शिप को हिट किया, वॉज अ माइटी, बहुत ही पावरफुल थी। माइटी मीन्स पावरफुल। एंड ह्यूज वेव, और बहुत ही विशाल वेव थी, उसकी हाइट भी बहुत ऊंची थी। इट अपीयर्ड, ऐसा लगा, परफेक्टली वर्टिकल, ऐसा लगा कि ये लहर पूरी सीधी दीवार की तरह थी। वर्टिकल मीन्स एक सीधी लंबी रेखा, तो परफेक्टली वर्टिकल, एक सीधी पानी की दीवार की तरह वो लहर थी। इट वॉज ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, और दूसरी लहरों की अपेक्षा यह दोगुनी हाइट की थी, दोगुनी ऊंचाई की थी। इट हैड अ वेरी अनप्लीजेंट ब्रेकिंग क्रेस्ट, और उम्मीद की जाती थी कि अगर ये लहर टकराई तो यह बहुत तेज टकराने वाली है। अनप्लीजेंट, खुशी नहीं देगी ये लहर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग, तोड़फोड़ करने वाली थी। द नैरेटर हैड नेवर सीन सच एन इनॉर्मस वेव। नैरेटर ने, कहानी सुनाने वाले ने, इतनी विशाल, इनॉर्मस, बहुत विशाल, बहुत बड़ी लहर कभी नहीं देखी थी। सो ही वॉज फिल्ड विद हॉरर, इसीलिए वह डर से भर गए। उनको डर लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा खराब मौसम है, बहुत ही ऊंची लहर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड लिटिल जोनाथन रिएक्ट टू द डेस्परेट सिचुएशन दे फाउंड देमसेल्फ इन ऑन 5th जनवरी। 5 जनवरी को
छोटा जोनाथन, जो नैरेटर का बेटा था, जोनाथन उसका नाम है, तो वह किस तरह से उस बेकार सिचुएशन में रिएक्ट करता है और अपने आप को किस सिचुएशन में पाता है? क्या वो डर रहा था, क्या वो उस डर का सामना कर पा रहा था या नहीं? जोनाथन वॉज वॉचिंग ऑल द डिस्ट्रक्शन ऑफ द शिप। जोनाथन उस जहाज के डिस्ट्रक्शन, नष्ट होने को, बर्बाद होने को देख रहा था। सो ही आस्क्ड हिज फादर, इसलिए उसने अपने पिता से पूछा, इफ दे आर गोइंग टू डाई, क्या वे मरने वाले हैं, क्या उनकी मृत्यु हो जाएगी? हिज फादर ट्राइड टू एश्योर हिम, उसके पिता ने उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की, ट्राइड कोशिश की, एश्योर विश्वास दिलाना हिम उसे, दैट दे वुड ओवरकम द सिचुएशन, कि वो उस सिचुएशन को ओवरकम, जीत लेंगे। इट मीन्स कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, हम उन प्रॉब्लम से जीत जाएंगे और एक अच्छी जगह पहुंचेंगे, हम इन सब का सामना कर सकते हैं। देन लिटिल जोनाथन रिएक्टेड, तब उस छोटे जोनाथन ने रिएक्ट किया, बताया ब्रेवली, बहादुरी से, दैट ही वॉज नॉट एफ्रेड ऑफ डेथ, वह मरने से नहीं डरता है, प्रोवाइडेड दे कुड ऑल बी टुगेदर, बशर्ते कि वे सब साथ हों, अगर वह अपने परिवार के साथ है तो उसे मृत्यु का भी डर नहीं है। तो ये बात उसने जो बहादुरी से अपने पिता को बताई, इस चीज से उसने ये रिएक्ट किया कि वो अपने परिवार के साथ हर स्थिति में खुश है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड सू ट्राई टू एनलिवन द ग्लूमी एटमॉस्फेयर। सू कैरेक्टर नैरेटर की बेटी है। सू का पूरा नाम सुजैन था, शॉर्ट में वो अपनी बेटी को सू कहकर बुलाते थे। सू ने किस तरह से जीवित कर दिया उदास एटमॉस्फेयर को, क्योंकि वो परेशानियों में थे, बुरे मौसम का सामना कर रहे थे और उनका जहाज भी टूट गया था, काफ़ी नुकसान हो चुका था उनके जहाज को और उनकी भी श्योरिटी नहीं थी कि वो अभी भी सही बच पाएंगे या नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ डिड सू ट्राई टू एनलिवन द ग्लूमी एटमॉस्फेयर। सू ने किस तरह से उदास माहौल को जीवित माहौल, एक खुश माहौल बनाने की कोशिश की। सू हैड इंजरी एट द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड। सू के सिर में, लेफ्ट साइड में गहरी चोट लग गई थी, इंजरी चोट लगी थी। स्टिल, फिर भी, शी मेड अ कार्ड, उसने एक कार्ड बनाया, एंड गेव इट टू हर फादर, और अपने पिता को दिया। ऑन द फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने वाले फेस पर कार्ड फोल्ड किया हुआ होता है, तो फ्रंट पे इट हैड कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड द नैरेटर, उसने कैरिकेचर्स बनाए, कार्टून टाइप में एक फिगर बनाई मैरी और नैरेटर की। इट मीन्स अपनी मदर और अपने फादर की। नैरेटर उसके फादर हैं और मैरी उसकी मदर हैं। तो अपने मम्मी पापा के कार्टून टाइप फिगर्स उसने कार्ड पर बनाई। शी कॉल्ड देम फनी पीपल, और उसने उन्हें फनी पीपल कहा। दस, इस प्रकार शी मेड हर फादर लाफ्ड, उसने अपने पापा को हंसाया। एंड एनलिवन द ग्लूमी एटमॉस्फेयर, और उस उदास माहौल को जीवित बनाने की, खुशनुमा बनाने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, ये 5 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो हमने इस वीडियो में पढ़े। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, याद हुए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।